Hey guys, क्या हाल चाल आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज हम बात करने वाले Flipkart में जो आपका जो ऑफर आने वाली है 24 जुलाई में, जिसमें आपको जो स्मार्टफोन है उसमें बहुत अच्छे अच्छे डील देखने को मिल जाएगी। जैसे कि आप लोगों को पोको एक्स थ्री प्रो के बारे में बताया हो तो उसमें आपको बहुत ही अच्छी डील मिल जाएगी। देख सकते हो इसका प्राइस, देख सकते हो जब ये सेल आएगा तो तब आपको 17,249 में ये आपको मिल जाएगा, जबकि इसका ओरिजिनल प्राइस आपको नॉर्मल प्राइस 19,000 में मिलता है। तो आपको बहुत ही अच्छा डील मिल रहा है। तो अभी हम इस फ़ोन का पूरा रिव्यू करेंगे, कैसा बिल्ड क्वालिटी, कैसा गेमिंग एक्सपीरियंस होने वाला, सब कुछ बात करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और एकदम भी स्किप मत करना। अगर आप लोगों को थोड़ा बिजी है, मतलब आप लोगों को थोड़ा काम है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, उधर टाइम स्टैम्प मेंशन कर दिया है, तो आप उधर से भी देख सकते हो अगर आप लोगों को जल्दी है। लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा आप लोग पूरा देखो वीडियो को, मज़ा आ जाएगा। तो आओ जल्दी से शुरू कर लेते हैं। पोको एक्स थ्री प्रो जो कि जाओमी का फ़ोन है, बहुत ही बढ़िया फ़ोन है, आप लोगों को मालूम ही है। और इसमें गेमिंग तो भाई टॉप नोच होती है। तो अभी हम इसकी बिल्ड क्वालिटी को भी बात कर लेंगे। बिल्ड क्वालिटी आपको एकदम बढ़िया मिल जाएगा, सामने की तरफ ग्लास फ्रंट लुकिंग मिल जाएगा, जिसमें गोरिल्ला ग्लास यूज़ किया गया है, गोरिल्ला ग्लास 6 वर्जन। और पीछे का प्लास्टिक का बैक मिल जाएगा, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि चीप प्लास्टिक यूज़ किया है, एकदम प्रीमियम क्वालिटी का प्लास्टिक यूज़ किया है। और फिर हम अगर इसमें बात करें, इसमें आप लोगों को वेट 215 ग्राम का वेट मिल जाएगा, तो बहुत ही लाइट वेट है, ठीक ठाक है, और बहुत ही ज़्यादा स्लिम है, तो आप लोग इजीली कैरी कर सकते हो पॉकेट में। स्लिम फ़ोन किसको अच्छा नहीं लगता। तो आ जाओ अभी हम चलते हैं अपने डिस्प्ले की तरफ। अगर हम इसकी डिस्प्ले की बात करते हैं, ये एकदम IPS LCD डिस्प्ले है, जिसका 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है। तो गेमिंग का एक्सपीरियंस समझ सकते हो कितना स्मूथ होने वाली है, 120 हर्ट्ज तो बहुत ही बढ़िया होने वाली है। और इसकी स्क्रीन साइज़ की बात करें तो 6.67 इंचेस का स्क्रीन साइज मिल जाएगा। तो मतलब आप लोग कोई भी अगर मीडियम कंजम्पशन करते हो, अगर आप लोगों को मूवीज़ वीडियो देखना पसंद है, तो आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। IPS LCD है, एमुलेट नहीं है, तो किसी को थोड़ा सा इसमें डिमेरिट हो सकता है, डिसएडवांटेज लग सकता है, लेकिन अगर आप लोगों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप लोग गेमिंग के शौकीन है, तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि ये गेमिंग का हर चीज़ फुलफिल करता है। तभी हम इसकी OS की बात करें, OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, तो लेटेस्ट एंड्रॉयड 11 यूज़ की गई है। और इसका जो MI का जो आता है वो 12.5 वर्जन यूज़ किया है पोको के लिए। इसका जो प्रोसेसर यूज़ किया है वो है स्नैपड्रैगन 860, समझ सकते हो स्नैपड्रैगन प्रोसेसर यूज़ की गया है। आप लोगों को तो पता ही है स्नैपड्रैगन का जो प्रोसेसर होती है उसमें गेमिंग कितनी बढ़िया होती है। अभी तो लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 880 है, लेकिन ये 860 है, ये भी न्यू ही है, मतलब समझ सकते हो कितना बढ़िया गेमिंग होने वाली है। 7 नैनोमीटर के ऊपर बेस्ड है, तो बहुत ही बढ़िया होने वाला है। इसमें आपको दो वेरिएंट मिल जाएगा, एक 6 GB और एक 8 GB। अगर आप लोगों को 6 GB वाली लेनी है तो वो आपको अगर सेल में लोगे तो 17,250 में मिल जाएगा। तो मैं रिकमेंड करूँगा आप लोग सेल में ले सकते हो, क्योंकि सेल में बहुत ही अच्छी प्राइस में मिल रही है आपको। और स्टोरेज आपको 128 GB मिल जाएगा, जो कि मतलब यूज है, आपको SDR लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत स्टोरेज है बहुत ज़्यादा। फिर हम इसकी कार्ड स्लॉट के ऊपर बात करते हैं, इसमें आपको हाइब्रिड ड्यूअल सिम का मिल जाएगा, दो सिम लगाकर यूज़ कर सकते हो। अगर आपको SD कार्ड लगवानी है तो एक सिम और एक SD कार्ड लगाकर यूज़ कर सकते हो। अगर आप लोग मतलब एकदम गेमिंग के लिए फ़ोन ले रहे हो, ये जाओमी का पोको एक्स प्रो एकदम आपके लिए परफेक्ट होने वाला है, क्योंकि इसमें स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर यूज़ की गई है, और इसमें रैम भी बहुत बढ़िया है, 6 GB 8 GB, और स्टोरेज भी बढ़िया, और इसमें आपको लॉन्ग लास्टिंग बैटरी मिल जाएगी, जो कि है 5160 MHz की। बैटरी के बारे में बात करें तो बहुत ही बढ़िया बैटरी कैपेसिटी मिल जाएगा, मतलब आप लोग आधे घंटे में इसको हाफ चार्ज कर सकते हो, और मतलब एक घंटे में आपको फुल चार्ज हो जाएगा। 33 वाट की फास्ट चार्जर को ये सपोर्ट करता है, मतलब एक घंटे में आपको फुल चार्ज हो जाएगा फ़ोन, तो मतलब बहुत ही बढ़िया है। तो अभी हम इसके कैमरा के ऊपर बात कर लेते हैं। तो आपका जो मेन कैमरा है तो उसमें आपको 48 MP का जो मेन कैमरा मिल जाएगी, फिर आपका 8 MP का अल्ट्रा वाइड मिल जाएगा, 2 MP का मैक्रो और 2 MP का डेप्थ लेंस, मतलब इसमें टोटल 4 कैमरा मिल जाती है,
तो मेन प्राइमरी कैमरा आपको 48 मेगापिक्सल का मिल रहा है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ मिल जाएगा। फिर अभी हम बात करते हैं वीडियो क्वालिटी। अगर आप लोग इसमें वीडियो शूट करते हो तो आपको 4K 30fps में वीडियो शूट कर पाओगे। अगर आपको 1080p फुल HD में वीडियो शूट करनी है तो आपको इसमें बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। 30fps में कर सकते हो, 60fps में कर सकते हो, 120 यहाँ तक कि 240fps तक भी कर सकते हो। मतलब बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। आप लोग बहुत ही ज़्यादा स्लो मोशन में जा सकते हो। 240fps मतलब बहुत ही यूज है उसका। आप स्लो मोशन में जब करोगे ना मज़ा आ जाएगा, बहुत ही स्मूथ रिजल्ट निकलने वाली है। फिर आपको सेल्फी कैमरा की बात करते हैं, इसमें आपको सिंगल कैमरा मिलती है जो कि है 20 मेगापिक्सल की वाइड लेंस के साथ आती है। और इसमें आप सेल्फी कैमरा से पैनोरामा और HDR फोटो खींच सकते हो। और अगर आप सेल्फी कैमरा से वीडियो शूट करेंगे तो 1080p का 30fps वीडियो शूट कर सकते हो सेल्फी कैमरा मतलब फ्रंट कैमरा से। तो अभी हम चलते हैं अपने साउंड की तरफ। आपको इसमें मोनो स्पीकर नहीं मिलता, स्टूडियो स्पीकर मिलता, मतलब लेफ्ट राइट अलग अलग चैनल में मिल जाएगा। किसी किसी फ़ोन में सिर्फ मोनो चैनल होती है, लेकिन इसमें आपको स्टूडियो स्पीकर मिल जाती है। और इसमें आपको 3.mm जैक तो मिल जाती है, आप लोग ईयरफोन लगा के गाना सुन सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी आते हैं इसकी कनेक्टिविटी के लिए। कनेक्टिविटी इन लोगों ने वाईफाई का 802.11 यूज़ की गई है, मतलब बहुत ही स्मूथ कनेक्शन होने वाले। और ब्लूटूथ लेटेस्ट 5 यूज़ की गई है, 5.0, तो बहुत पुराना वर्जन नहीं है। तो आप लोग कोई ब्लूटूथ स्पीकर में गाना सुनोगे या कुछ भी करोगे तो 5.0 मतलब बहुत ही स्मूथ कनेक्शन होने वाला है। अगर आप लोग मतलब रूम के बाहर भी चले जाते हो, मतलब आपके ब्लूटूथ स्पीकर के बाहर एरिया के बाहर भी चले जाते हो, तो फिर से आप आ जाते हो ना तो ये ऑटोमेटिक कनेक्ट होकर चालू हो जाएगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी कि मतलब आपको फिर से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो 5.0 मतलब बहुत ही बढ़िया है। फिर आपको इसमें मिल जाएगी USB टाइप सी की सपोर्ट 2.0, मतलब टाइप सी अभी सारे नए फ़ोन में आ रही है। अभी माइक्रो USB चला गया, इसका लुप्त हो चुका है, वो अभी ख़त्म हो गया है। तभी सब फ़ोन में टाइप सी आ रहे तो उसमें फास्ट चार्जिंग होती है। फिर आपको फीचर की बात करते, इसको आपको फिंगरप्रिंट साइड माउंटेन फिंगरप्रिंट का मिल जाएगा, मतलब आपका जो फ़ोन के जो साइड में उधर आप फिंगरप्रिंट को एक्सेस कर सकते हो। तो फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाएगा आपको साइड में, कोई बीच में या बैक में नहीं मिलेगा, साइड में मिल जाएगा। तो आप साइड से अनलॉक कर सकते हो अपने फ़ोन को। तो अभी हम बात करते हैं इसका आप कितने कलर और वेरियंट में मिल जाएगा। आपको ये मिल जाएगा ब्लैक में, फैंटम ब्लैक में, फ्रॉस्ट ब्लू में या फिर मेटल ब्राउन्स में, 3 कलर में ये अवेलेबल होगा। और आपका जो ये नॉर्मल प्राइस है 19,000 के आसपास मिल जाएगा। आप लोग अगर 6GB 120GB वाला वेरिएंट लेते हो, अगर आप लोग 8GB वाला लेते हो वो 21,000 तक चला जाता है। अगर आप लोग ये जो फ्लिपकार्ट का जो ये अपकमिंग सेल आ रहा है 25 जुलाई को, मतलब 3 दिन बाद है, तो इसमें आपको 17,250 में मिल जाएगा ये जो ये फ़ोन 6GB वाला वेरिएंट ही मिलेगा। और 8GB वाला अभी तक बोला नहीं, उसका भी पता नहीं सेल उसके ऊपर आया है या नहीं। अगर आप लोगों को 6GB वाली वेरिएंट लेना है तो आपको 17,250 में मिल जाएगा। तो आप लोग ज़रूर से चेकआउट कर लेना, अच्छी डील है। तो बस जस्ट आज के लिए, अगर आप लोगों को ऐसी मोबाइल रिव्यूज़ के ऊपर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ, तो हम ऐसे ही और वीडियो लाएंगे और मोबाइल के ऊपर रिव्यू करेंगे और बहुत कुछ लाएंगे। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दो, जिससे मेरे को भी थोड़ा मोटिवेशनल मिल जाता है कि हाँ भाई अच्छा लगता है। तो लाइक करो और सब्सक्राइब कर दो, दिल को अच्छा लगता है। तो और भी ऐसी मज़ेदार वीडियो बनाने के लिए मोटिवेटेड होता हूँ। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लो। तो बस मिलते हैं हम अगले वीडियो में, कुछ नया वीडियो लाएंगे। तो जल्दी से कर लो सब्सक्राइब।